चार मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद हिलाल बदायूनी साहब को आपके हवाले। हमारी जिस्त के लम्हात इस तरह बीते, हमारी जिस्त के लम्हात इस तरह बीते, हंसी खुशी भी रही गम में मुब्तिला भी रहे। हमारी जिस्त के लम्हात इस तरह बीते, हंसी खुशी भी रही गम में मुब्तिला भी रहे। कुछ इस तरह के भी बहरूप ये हैं दुनिया में, गुनाह करते रहे और पारसा भी रहे। कुछ इस तरह के भी बहरूप ये हैं दुनिया में, गुनाह करते रहे और पारसा भी रहे। इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब नाजिम अली जनाब हिलाल बदायूनी साहब का। दोस्तों सिर्फ 10-12 मिनट लूंगा मैं, इजाजत चाहता हूँ जनाब जौहर साहब, अज़म साहब, हाशिम भाई और दीगर हजरात से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, और थोड़ी सी मुझे तवक्को है कि बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा। इस वक्त मेरी हौसला अफजाई आप अगर कर देंगे तो मुझे यहाँ भी अच्छा महसूस होगा। और एक मैं अपनी शायरी का आगाज करूँ, जाहिर है अपनी जिंदगी की एक हकीकत बल्कि एक राज है वो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ इस रूस में। वो ये कि मेरा तखल्लुस तो हिलाल है, नाम भी मेरा हिलाल अहमद है, मगर जब मैं बचपन में सिर्फ 2 साल का था उस तक मेरा नाम कुछ और था। उसके बाद जब मेरी उम्र 2 साल की हुई तो यही आप ही के मकनपुर शरीफ के एक बुजुर्ग अचानक घर पर आए और ने फरमाया कि आपका जो बच्चा है उसका नाम हिलाल रखना चाहते हैं। तो ये इस नाम को मैं आज तक हुजूर मदारुल आलमीन का अतिया समझता हूँ, और ये निस्बत थी कि जिस वजह से मेरी बड़ी ख्वाहिश और ये मकबूलियतें जो आज हासिल हुई, मुझे उम्मीद है कि आप भी आमीन कहें, मेरे हक में दुआ करें तो ये और दुबाला होगी। बहरहाल मैं यहाँ से शेरी सफर का आगाज करता हूँ कि मैं दूर हो के भी थोड़ा सा चाहता हूँ, ये अल्लामा मकनपुरी साहिब की सरजमी है, कुछ शेर बस कम वक्त में सुना दूं कि मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा कि मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। मैं दूर हो के भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है सारे आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है सारे आलम, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। और हाशिम भाई के होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताजीम। होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताजीम। और आसान नहीं चांद सा किरार शेर, और मैं अपनी मर्जी सुनाना चाहता हूँ। और देखिए निस्बत इस रोज की के आली जनाब जौहर साहब शबीना साहिबा कल भोपाल के मुशायरे में थे, और इतनी लंबी मसाफत ये एक वादा था बल्कि जरूरी था कि आपकी मोहब्बतों के लिए वो अगले दिन ही तशरीफ रखते हैं। जोरदार तालियों से जरा इस बात का भी और आपके आने का भी जरा एतराफ कीजिए। मैं शेर पढ़ता हूँ शोरा के हवाले से कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। और एक कथा मुझे बड़ा पसंद है, अज़म भाई, हाशिम भाई, आपकी दुआएं मिलेंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि वो कथा के बेकरारी में मुब्तिला था मैं। जिंदगी का फलसफा जाहिर साहब, बेकरारी में मुब्तिला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं। बेकरारी में मुब्तिला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर,
जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, और कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शोहर तलाश कर। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शोहर तलाश कर। और दो तीन शेर से टर्म सुनाऊंगा, एक दो शेर मुझे और याद आ गए, एक रदीफ है अलग अलग, कि रब ने अता किए हैं मुकद्दर अलग अलग, थोड़ा कि रब ने अता किए हैं मुकद्दर अलग अलग, होते हैं शोहरतों के भी मंजर अलग अलग, होते हैं शोहरतों के भी मंजर अलग अलग। यहां से जुड़ जाइए कि मायूस वो भी और परेशान मैं भी हूं, मायूस वो भी और परेशान मैं भी हूं, खाई बिछड़ के चोट दिलों पर अलग अलग, खाई बिछड़ के चोट दिलों पर अलग अलग। और ये इसके शेर जरा तवज्जो चाहता हूं आप हजरात के, दिलों पर अलग अलग, एक घर को अपने खून से सींचा था बाप ने, मजाहिर साहब, एक घर को अपने खून से सींचा था बाप ने, बेटे ने पल में कर दिए दो घर अलग अलग, एक घर को अपने खून से सींचा था बाप ने, बेटे ने पल में कर दिए दो घर अलग अलग। और शेर देखे ये अलमिया के, दो लोग बनना चाहते थे मीरे कारवा, दो लोग बनना चाहते थे मीरे कारवा, दोनों की जिद पे हो गए लश्कर अलग अलग, दोनों की जिद पे हो गए लश्कर अलग अलग। हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की, हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की, दरिया अलग अलग तो समंदर अलग अलग, दरिया अलग अलग तो समंदर। अंदाज सिर्फ तेरा नहीं मुनफरिद हिलाल, सारे सुखनवरों के हैं तेवर अलग अलग। दो तीन शेर मुझे याद आए, शबीन अदीब साहिबा ने गजल पढ़ी उसी थोड़ी सी जमीन में, वो आप तालियों से इजाजत दे रहे, तीन शेर में तरुण से पेश करूंगा आपकी जहमत मुकम्मल, और अच्छा लगे शेर तो बड़ा थोड़ा सा मुझे एहसास करा दीजिएगा। दर्द जिस तरह से लाजिम है दवा से पहले, दर्द जिस तरह से लाजिम है दवा से पहले, दर्द जिस तरह से लाजिम है दवा से पहले, बेवफाई भी जरूरी है वफा से पहले, बेवफाई भी जरूरी है वफा से पहले। और शेर देखे मजाहिर साहब कि आरजू तो है चरागों को जलाने की मगर, आरजू तो है चरागों को जलाने की मगर, मुझको मालूम तो करने दो हवा से पहले, मुझको मालूम तो करने दो हवा से पहले। और ये एक शेर, और इसमें काफिया मैंने जरा बदला है, तब्दील किया कुछ, कि जब मेरा साथ निभाना ही नहीं था तुमको, जब मेरा साथ निभाना ही नहीं था तुमको, क्यों दिए मुझको मोहब्बत में दिला से पहले, क्यों दिए मुझको मोहब्बत में दिला से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया।